नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021 के बारे में। सिलेरियो जो कि डीलरशिप्स पर पहुंच चुकी है, अगले महीने लॉन्च इवेंट इसका होने वाला है जल्दी। उससे पहले रिवील हो चुके, कोई ना कोई वीडियो शेयर कर ही देता है। अब वहीं अगर मैं सामने से बात करता हूं, तो सामने से मुझे सिलेरियो इस तरह की दिखाई देती है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ZXi है, ZXi प्लस है, पर मैं ZXi मान के चल रहा हूं इसे, क्योंकि नीचे वाले मॉडल में ZXi प्लस नहीं आता। वहीं पर अपने ब्लैक और व्हाइट में इसका बंपर मिल जाएगा ड्यून टोन में, और फोग लैंप नीचे ही दे देंगे। कोई भी प्रोजेक्टर हेडलैंप नहीं मिलते। मैं अगर मैं रियर लुक की बात करता हूँ, तो रियर लुक में टेल लैंप काफी अच्छे लग रहे हैं, पहले के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। बस पहले थोड़े वो वर्टिकल थे, अब इनको थोड़े हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। तो ठीक है, बलेनो से इंस्पायर कहते थे, पर मुझे लग नहीं रहा अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल थे, लेकिन अब थोड़े से वर्टिकल थे, अब हॉरिजॉन्टल कर दिए हैं। पीछे से भी डोर हैंडल आपको पीछे ही मिल जाएगा, रियर वाइपर, डिफोगर और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको पीछे ही मिल जाएगा, जो कि टॉप मॉडल में आता है। मॉडल की कोई भी बैजिंग नहीं मिलने वाली पीछे। अगर मैं टोटल ओवरऑल लुक की बात करता हूँ, सामने से कुछ इस तरह की हमारी सिलेरियो दिखाई देती है, मतलब ठीक लग रही है। अब कोई बुराई भी नहीं है, और कोई इतनी खास कह सकते हैं कि कोई नया वो भी नहीं है जो लोग कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इसको देखकर। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, सबसे जरूरी और मेन चीज इंटीरियर। इंटीरियर की अगर मैं बात कर दूं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम वैगनर वाला लगा दिया है, जो वैगनर के टॉप मॉडल में आता है। और एसी वेंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो एसी वेंट्स भी इन्होंने वर्टिकली प्लेसमेंट दी है स्टेयरिंग के बिल्कुल बराबर में, जो सिर्फ ड्राइवर को फ्लो करते हैं एयर फ्लो, वैसे उन पर पैसेंजर्स पर कोई इतना खास फ्लो नहीं रहता। और म्यूजिक सिस्टम भी इसमें टच स्क्रीन मिल जाएगा आपको, GPS, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के साथ। वो AC अगर मैं बात करूँ, तो ऑटोमेटिक टॉप मॉडल में भी नहीं मिलने वाला, और लॉक अनलॉक के बटन आप इन्होंने इसके नीचे दे दिए, जो कि आपका ऑडियो पैनल है। तो ठीक है, तो कप होल्डर भी आपको नीचे मिल जाएंगे, नॉर्मल AC मिल जाएगा आपको, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, मतलब कि सिलेरियो में भी इतने ज़्यादा फीचर दे दिए। ये AMT नहीं है, नॉर्मल है, AMT के साथ भी पक्का 100% है कि गाड़ी आएगी। वहीं आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाएगा, और ये आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि ठीक है, मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट शेयरिंग इतनी ज़्यादा कर दी है मारुति की, ब्रेजा वाले इन्होंने ORVM के कंट्रोल लगा दिए। डोर पे कुछ भी नहीं मिलता, ये सबसे मुझे बुरा लग रहा है। डोर खाली खाली सा, डोर पे इन्होंने पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक के बटन भी हटा लिए, पावर विंडो कंट्रोल इन्होंने हैंड ब्रेक के पीछे लगा दिए, जो थोड़ा अनइवन सा लग रहा है मुझे, जैसे कि इन्होंने मारुति 800 में देते। अब क्लास इनको थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी। बूट स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बूट स्पेस है। ये एस्टिमेटेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर मैं आगे चलता हूँ, तो अलॉय व्हील देखता हूँ, तो अलॉय व्हील इसमें फुली ब्लैक मिल जाएंगे, जो कि एक नया लुक है। मतलब कि पहले ऐसे अलॉय व्हील नहीं आते, नॉर्मल सिल्वर आते थे जो पिछला मॉडल था, अब ये नए अलॉय व्हील उन्होंने डेवलप कर दिए हैं। फुली अगर डैशबोर्ड की बात करूँ, तो ओवरलॉक ऐसा डैशबोर्ड का लुक आता है, वैगनार अल्टो 800 का पूरा मिक्सअप है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।